सभी को नमस्कार, मेरा नाम सपना है, मैं एक SRLM में मेंटर हूँ। सभी को नमस्ते, और मैं कुसुम हूँ, मैं एक वित्त सखी हूँ और फील्ड में काम करती हूँ। मेरे कार्य में मेंटर सपना मैडम मेरी मदद करती है। NRLM ने व्यक्तिगत उद्यम लोन के लिए SHG की महिला उद्यमियों को सहयोग करने की पहल की है। मैं और मेरी वित्त सखी कुसुम इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी हमारी बातचीत उपयोगी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्याज दर। सभी को नमस्कार, इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्याज दर के बारे में और ब्याज की गणना करने के दो तरीके, जो है फ्लैट दर और घटती दर। नमस्ते सपना मैडम, अब हम सूक्ष्म उद्यम ऋणों के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो SHG सदस्य ब्याज दरों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वे सवाल पूछते हैं कि बैंक ब्याज राशि की गणना कैसे करते हैं, किस राशि पर ब्याज लगाया जाता है, क्या होगा अगर लोन पहले चुका दिया जाए, क्या बैंक पूरी अवधि का ब्याज लगाएगा इत्यादि। मैडम, मुझे लगता है कि मेरे जैसे वित्त सखियों के लिए इस पर स्पष्टता होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ कुसुम, तुम सही कह रही हो। जब आप सूक्ष्म उद्यम ऋण के लिए उद्यमियों की मदद कर रहे हैं, तो आपको ब्याज दरों के बारे में पता होना ही चाहिए। तो आइए हम इसे समझते हैं। जब कोई बैंक किसी को लोन देता है तो दी गई लोन राशि को प्रिंसिपल कहा जाता है। मूलधन उधारकर्ता द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर चुकाया जाना होता है। इस वित्तीय सेवा के लिए बैंक एक शुल्क लेता है, जिसे ब्याज कहा जाता है। ब्याज दर प्रतिशत के रूप में और एक अवधि के लिए व्यक्त किया जाता है, जो आमतौर पर वार्षिक होती है। उदाहरण के लिए, बैंक कह सकता है कि उसकी ब्याज दर 12% प्रति वर्ष है। इसका मतलब है कि बैंक एक साल की अवधि के लिए उधार दिए गए प्रत्येक 100 रुपये पर 12 रुपये का शुल्क लेगा। ब्याज दर को इस तरह से बताने से किसी भी ऋण राशि के लिए और किसी भी अवधि के लिए वास्तविक ब्याज राशि की गणना की जा सकती है। तो मैडम, अगर मैं सही समझूं, अगर लोन की अवधि लंबी है या लोन की मूल राशि बड़ी है तो चुकाए जाने वाले ब्याज राशि भी बड़ी होगी, है ना? बिल्कुल सही कुसुम। चलो ब्याज राशि की गणना करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ब्याज राशि की गणना वार्षिक ब्याज दर, समय अवधि और ऋण की राशि को गुणा करके की जा सकती है। तो अगर हमें 10,000 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए ब्याज की गणना करनी है, तो हम 10,000 रुपये को 12% की ब्याज दर से गुणा करके और फिर इसे 5 से गुणा कर सकते हैं, जो कि वर्षों में अवधि है, इसलिए हमें 6,000 रुपये मिलते हैं। वाह मैडम, ये तो मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर कार्यकाल पूरे वर्षों में नहीं हो, जैसे कि ये 2 साल 5 महीने या 8 महीने आदि हो, तब? यदि अवधि पूरे वर्षों में नहीं है तो भी आपको अवधि वर्षों में लिखनी होगी, क्योंकि ब्याज दर वर्षों में होता है। इसके लिए आप पूरी अवधि को पहले महीने के रूप में लिखें और फिर उसे 12 से भाग दे। उदाहरण के लिए, 2 साल 5 महीने 29 महीने के बराबर है और वर्षों में ये 29 भागा 12 है। इसी तरह 8 महीने को 8 भागा 12 वर्ष हुए। आप सूत्र में इन अंशों का उपयोग कर सकते हैं। मैडम, ये बात मुझे समझ आ गई। अब कुसुम, सदस्य आपसे पूछते हैं कि बैंक ब्याज कैसे लेते हैं। तो ब्याज की गणना करने के दो तरीके हैं, फ्लैट दर विधि और घटती दर विधि। बैंक और अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थान हमेशा घटती दर के आधार पर ब्याज लेते हैं। बैंक केवल उस अवधि के लिए ब्याज लेते हैं जिसके लिए ग्राहक के पास कोई मूल राशि बकाया रहती है। ऋण के पूर्व भुगतान पर ब्याज केवल उस अवधि के लिए लिया जाता है जब तक कि ऋण सक्रिय था। तो
इसका मतलब है कि अगर कोई लोन जल्दी चुकाता है तो पूरे कार्यकाल के लिए ब्याज नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सही समझी कुसुम। तो चलो अब हम ब्याज दर गणना के दो तरीकों को विस्तार से समझते हैं। फ्लैट दर विधि में ऋण की प्रत्येक किस्त में ब्याज की गणना शुरुआत में वितरित लोन राशि पर की जाती है। चूंकि मूल वितरित राशि तो एक ही है, इसलिए इस पद्धति में प्रत्येक किस्त में गणना की गई ब्याज राशि भी अपरिवर्तित रहती है और यही कारण है कि इसे फ्लैट दर कहा जाता है। दूसरी ओर घटती दर विधि में प्रत्येक किस्त में ब्याज की गणना पिछले किस्त के बाद बकाया मूल राशि पर की जाती है। एक मिनट मैडम, तो क्योंकि प्रत्येक किस्त के भुगतान के बाद बकाया राशि कम हो जाती है, इसलिए इस विधि में ब्याज राशि भी प्रत्येक किस्त में कम हो जाती है ना? बिल्कुल सही कुसुम, इसीलिए इसे घटती दर कहते हैं। यहाँ इस उदाहरण को देखते हैं। अब 12,000 रुपये के एक लोन पर आप इस तालिका से दो ब्याज के तरीकों के तहत ब्याज राशि में अंतर देख सकते हैं। फ्लैट रेट में प्रत्येक किस्त में वितरित राशि पर ब्याज लिया जा रहा है, लेकिन घटती दर में ब्याज केवल बकाया मूलधन पर लिया जा रहा है। वाह मैडम, इन दो तरीकों के कुल ब्याज राशि में तो बहुत ज्यादा अंतर है। घटती दर तो ग्राहक के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ कुसुम, यही कारण है कि बैंक जैसे औपचारिक वित्तीय संस्थान घटती दर पर ब्याज लेते हैं, लेकिन अनौपचारिक स्रोत जैसे साहूकार आदि आम तौर पर फ्लैट दर पर ब्याज लेते हैं, जो बहुत अधिक होता है और पारदर्शी भी नहीं होता। मैडम ये बहुत उपयोगी था, अब मैं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को समझा सकती हूँ ब्याज दर के बारे में और ब्याज गणना के तरीके, फ्लैट दर और घटती दर। धन्यवाद।